नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, तो हम भवादी प्रकरण के बारे में पिछली वीडियो में चर्चा कर रहे थे। मैंने आपको कुछ बातें बताई थी जो सामान्य जानकारी के रूप में थी कि भवादी प्रकरण का नाम भवादी क्यों पड़ा। पाणिनि जी के जो सब सबका जो विकिरण का जो कारण था, उस विकिरण के कारण भट्टोजी दीक्षित ने धातुओं को 10 गणों में विभाजित क्यों किया, और उन 10 गणों में, 10 गणों का जो नाम है वो उन 10 गणों में प्रारंभ होने वाली जो प्रथम धातु है उसके आधार पर उनका नामकरण हुआ था। ये बातें मैंने आपको बताई थी। तथा संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं, 3 पुरुष होते हैं, और धातुएं भी 3 प्रकार की होती है, परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी इत्यादि के बारे में हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी। अब देखिए, हम भवादी प्रकरण को प्रारंभ करने जा रहे हैं। भवादी प्रकरण तो भू आदि इति भवादी, अर्थात भू धातु आदि में होने के कारण इस प्रकरण को हम भवादी प्रकरण कहते हैं। ठीक है, लकारों के बारे में भी हमने चर्चा की थी कि 10 लकार होते हैं संस्कृत भाषा में, जिनमें 5वां लकार का प्रयोग जो होता है लेट लकार का, वो वैदिक संस्कृत में किया जाता है। एषु पंचमो लकार है, छंद मात्र गोचर है। ठीक है, तो ये हमने पढ़े थे, इनके बारे में हमने जानकारी की थी। अब देखिए, एक बात और है कि जो विकिरण होता है, विकिरण ये पाणिनि जी ने विकिरण बताया, और जो गणों में जो भिन्नता का कारण है वो ये विकिरण है। क्या है? विकिरण है। ठीक है, यह जो विकिरण होता है वो धातु और तिंग जो प्रत्यय होता है, धातु और तिंग प्रत्यय, तिंग प्रत्यय 18 होते हैं जिनमें 9 परस्मैपदी और 9 आत्मनेपदी। तो ये जो तिंग प्रत्यय है, इन तिंग प्रत्यय के बीच में और धातु के बीच में ये विकिरण आता है, यहाँ पर ये विकिरण आता है, और इसी से ही गणों में क्या हो जाती है? भिन्नता हो जाती है। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको बता दी थी कि धातु और तिंग प्रत्यय के बीच में आने वाला जो धातु और तिंग प्रत्यय के बीच में जो आता है उसे ही हम क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकिरण। तो ये जो भवादी प्रकरण है, इस भवादी प्रकरण में सप विकिरण होता है। क्या होता है? सप विकिरण होता है। भवादी प्रकरण में कौन सा विकिरण होता है? सप विकिरण होता है, जो कि लट लकार में होता है, लोट लकार में होता है, विधिलिंग लकार में होता है, विधिलिंग लकार में होता है, लट में होता है, लोट में होता है, विधिलिंग में होता है, तथा लंग लकार में होता है। यह सब विकिरण भवादी प्रकरण में कितने लकारों में होता है? 4 लकारों में होता है, 3 और 4। इन 4 लकारों में ये भवादी प्रकरण में सप विकिरण होता है। बाकी के जो 6 लकार है, उन 6 लकारों में इस सप विकिरण का बाद हो जाता है। क्या हो जाता है? बाद, और बाद या निषेध कह सकते हैं हम, बाद होता है या फिर क्या होता है? निषेध होता है। ठीक है ना, तो इसी से ही हम धातु रूपों की सिद्धि बनाएंगे। ठीक है, तो ये भवादी प्रकरण हमने प्रारंभ किया था कि लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग लुंग लृंग, एसु लकारेसु पंचमो लकार है, छंद मात्र गोचर है। अर्थात इन लकारों में से, ये 10 लकार है, इनमें से 5वां जो लकार है लेट लकार, उसका प्रयोग छंद मात्र गोचर है, अर्थात केवल वैदिक साहित्य में या वेदों में किया जाता है। ठीक है, और वैदिक साहित्य में या वेदों में इनका किया जाता है। तो भवादी जो धातु से निष्पन्न होने वाला जो तिगंत प्रत्यय होता है वो क्रिया पदों की सिद्धि के लिए होता है, और उन तिगंत प्रत्ययों के मध्य में आने वाला क्या कहलाता है? विकरण कहलाता है। धातु और तिगंत प्रत्यय, तिगंत प्रत्यय के बारे में मैंने बताया था, तो धातु होगी, उसके बाद में तिगंत प्रत्यय होगा, तो बीच में क्या आएगा? विकिरण आएगा। क्या आएगा? विकिरण। और यह विकिरण है, यह विकिरण के कारण ही जो संस्कृत भाषा में जो पाणिनि जी है उन्होंने, इस विकिरण के कारण ही जो भट्टोजी दीक्षित है उन्होंने भवादी अदादि इत्यादि 10 गणों में समस्त धातुओं का क्या किया था? विभाजन किया था। 10 गणों में भट्टोजी दीक्षित ने इस विकिरण के कारण समस्त धातुओं का विभाजन कर दिया था। ठीक है, तो जिस गण में जो धातु प्रारंभ है उस धातु के आधार पर ही उस गण का क्या क्या हुआ? नामकरण हुआ। जैसे भू आदि इति भवादि, अद आदि इति अदादि, हु आदि इति ज्योत्यादि, दिव आदि इति दिवादि, क्रि आदि इति
क्रियादि, तनु आदि इति तनादि, चुर आदि इति चुरादि, ठीक है ना। तो ये 10 क्या है, गण है। तो इन 10 गणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अब देखिए, पहला गण भवादि है, इसमें हमको भू धातु और एद धातु, तो भू परस्मैपदी है और एद कैसी है, आत्मनेपदी धातु है। तो भू धातु की हमको 5 लकारों में रूप सिद्धि बनानी है, और उन 5 लकारों में जो रूप सिद्धि बनाएंगे तो जो जो सूत्र हमारे काम आएंगे उन सूत्रों का हमको अर्थ ज्ञान भी करना है, ठीक है। तो 5 लकार कौन कौन से हैं, वो लट है, लिट, लट के बाद कौन सा है, लोट है, उसके बाद लंग है, उसके बाद लिट है, और एक विधि लिंग है। 5 लकारों में बनानी है। एद धातु आत्मनेपदी है, उसकी भी इन्हीं 5 लकारों में रूप सिद्धि बनानी। समझ में आ गया। तो देखिए, अब हम पहला सूत्र प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो पहला सूत्र कौन सा है, भवादि प्रकरण का पहला नियम या पहला सूत्र। पहला सूत्र है लय कर्मणि, सूत्र नंबर 1, लय कर्मणि च भावे, ल कर्मणि च भावे च अकर्म के भय, च अकर्म के भय, ये पहला सूत्र है। ल कर्मणि च भावे च अकर्म के भय, भवादि प्रकरण का सूत्र नंबर 1 पहला सूत्र है ल कर्मणि च भावे च अकर्म के भय। लय कर्मणि च भावे च अकर्मक एभ्य, ठीक है। तो देखिए, अब इस सूत्र, जब ये सूत्र होगा तो सूत्र जो होता है उसकी वृत्ति होती है, संस्कृत भाषा में क्या होती है, उसकी वृत्ति होती है और उसका अर्थ। अब ये सूत्र क्या कार्य करता है, ठीक है ना, सूत्र कार्य क्या करता है, तो अब इसकी वृत्ति देखिए, वृत्ति लिख रही है इसकी वृत्ति, सूत्र की क्या है, ये वृत्ति है। अब वृत्ति क्या है, लकारा, इसकी वृत्ति है लकारः सकर्मकेभ्य कर्तरि कर्मणि चस्यु, लकारः सकर्मकेभ्य कर्तरि कर्मणि चस्यु अकर्मकेभ्यो भावे कर्तरि च। कर्म के भ्यो भावे कर्तरी च, लकारः सकर्म के भ्य कर्तरी कर्मणि च स्यु और अकर्म के भ्यो भाव कर्तरी च। तो ये इसकी क्या है, वृत्ति है सूत्र की, ल कर्मणि च भावे च अकर्म के भ्य, ठीक है। तो अभी देखिए, हम जब ये रूप सिद्धि बनाएंगे, धातु रूपों की जब हम रूप सिद्धि बनाएंगे, तो सबसे पहले हमको लकार लाना है। क्या लाना है, लकार। और लकार का मतलब क्या होता है, काल होता है। लकार का मतलब क्या होता है, काल होता है। तो देखिए, ये सूत्र या नियम क्या कहता है कि लकारः, क्या कहता है, लकारः सकर्मक एभ्य कर्तरि कर्मणि च स्यु और अकर्मक के भे भावे कर्तरी च। अब देखिए, लकार यानी लकार जो होते हैं सकर्मक के भे, अर्थात सकर्मक धातुओं से, धातुएं कल मैंने बताई दो प्रकार की भी होती है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक का मतलब क्या होता है, कर्म सहित, और अकर्मक का मतलब क्या होता है, कर्म से रहित, अर्थात ऐसी धातु जिसमें कर्म होता है, ठीक है ना, उसको तो क्या कहते हैं, कर्म सकर्मक कहते हैं, और जिसमें कर्म नहीं होता है उसको क्या कहेंगे, अकर्मक कहेंगे, ठीक है। तो ये सूत्र क्या कहता है, लकारः सकर्मक एभ्य कर्तरि कर्मणि च स्यु, अर्थात लकार जो होते हैं सकर्मक धातुओं से तो कर्ता और कर्म अर्थ में होते हैं, अकर्मक के भ्यो भावे कर्तरी चे, और अकर्मक धातुओं से लकार भाव और कर्ता अर्थ में आते हैं या होते हैं। समझ में आ गया। तो इसका अर्थ लिखिए, इसका अर्थ लिखिए, सकर्मक धातुओं से, सकर्मक धातुओं से लकार, सकर्मक धातुओं से लकार कर्ता व कर्म में होते हैं, आते हैं,
तथा अकर्मक धातुओं से लकार, अकर्मक धातुओं से लकार, सकर्मक धातुओं से लकार करता है कर्म अर्थ में आते हैं, तथा अकर्मक धातुओं से भाव व कर्ता अर्थ में, कर्ता अर्थ में आते हैं या होते होते हैं। ठीक है, तो ल कर्मणी च भावे च अकर्म के भे ये नियम या ये सूत्र पाणिनि जी का यह बता रहा है कि लकार जो होते हैं वो सकर्मक धातुओं से तो किस अर्थ में होते हैं, कर्ता व कर्म में होते हैं, कर्ता में होते हैं या फिर किस में होते हैं, कर्म अर्थ में होते हैं। लकार सकर्मक धातुओं से किस में होते हैं, कर्ता और कर्म अर्थ में होते हैं, ठीक है ना। और अकर्मक धातुओं से किस में होते हैं, भाव तथा कर्ता अर्थ में होते हैं, ठीक है ना। तो सकर्मक धातुओं से लकार कर्ता व कर्म में आते हैं तथा अकर्मक धातुओं से लकार भाव व कर्ता अर्थ में होते हैं। समझ में आ गया, तो ये ध्यान रखना है सकर्मक धातुओं से तो किस अर्थ में होंगे, कर्ता व कर्म अर्थ में, और अकर्मक धातुओं से किस अर्थ में होंगे, भाव व कर्ता अर्थ में। इस बात को ये नियम बता रहा है, ल कर्मणि च भावे च अकर्म के भे, अर्थात लकार सकर्म के भ्यो कर्तरी कर्मणि च स्यु और अकर्म के भ्यो भावे कर्तरी च, चय का मतलब क्या होता है और, ठीक है। तो अब देखिए ये जो सूत्र है इसकी अब पेपर में प्रश्न आता है कि निम्न सूत्रों की व्याख्या कीजिए, क्या करवाना है, क्या करवाता है व्याख्या। तो जब व्याख्या करवाएगा तो ये सूत्र होगा, जैसे ये सूत्र आ गया तो इसकी जब व्याख्या करेंगे तो सबसे पहले हमको वृत्ति लिखनी है, उसके बाद उसका क्या लिखना है, अर्थ लिखना है। वृत्ति लिखनी है और उसका क्या लिखना है, अर्थ लिखना है। अब वृत्ति जैसे ये आ गई संस्कृत में, लकारा सकर्म के व्यो कर्तरी कर्मणि चैस्यु अकर्म के व्यो भावे कर्तरी चैस्यु, उसके बाद अर्थ में उसको समझाना है व्याख्या के रूप में कि सकर्मक धातुओं से जो लकार होते हैं वो कर्तृवाच्य कर्ता अर्थ में, कर्मवाच्य कर्म अर्थ में होते हैं, और अकर्मक धातुओं से जो लकार होते हैं वो भाववाच्य भाव अर्थ में, कर्तृवाच्य यानी कर्ता अर्थ में होते हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा में तीन वाच्य होते हैं, ये भी आपको मैंने बता चुका हूं। वाच्य कितने होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है कर्तृवाच्य, कौन सा वाच्य होता है, कर्तृवाच्य। नंबर दो होता है कर्मवाच्य, कौन सा वाच्य होता है, कर्मवाच्य। और नंबर तीन होता है भाववाच्य, नंबर तीन कौन सा होता है, भाववाच्य। तीन संस्कृत भाषा में क्या होते हैं, वाच्य। और वाच का मतलब क्या होता है, वाच का मतलब होता है किसी बात को कहने का तरीका, किसी भी बात को कहने का तरीका वाच्य कहलाता है, किसी भी बात को कहने का तरीका, बात को कहने का तरीका, कहने का तरीका वाच्य कहलाता है, वाच्य कहलाता है। किसी बात को कहने का तरीका क्या कहलाता है, वाच्य कहलाता है। समझ में आ गया, तो देखो बात को किस प्रकार से कहा जाता है, किस प्रकार से उसको प्रदर्शित किया जाता है। अब देखो एक तो बात सीधे शब्दों में कही जाती है और एक बात को घुमा फिराकर कहा जाता है। इंग्लिश या आंग्ल भाषा में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है ना। तो वही ये वाच्य है, कर्तृवाच्य और भाववाच्य और कर्मवाच्य। तो ये वाच्य का मतलब क्या होता है, बात को सीधे शब्दों में कहना या उल्टे शब्दों में कहना, अर्थात बात को कहने का जो तरीका होता है, बात को कहने का तरीका क्या कहलाता है, वाच्य कहलाता है। देखिए जैसे वह जाता है, वो राम पढ़ता है, तो बात को हमने सीधे शब्दों में बता दिया कि राम क्या करता है, पढ़ता है, ठीक है ना। अब देखो दूसरी बात, उसी बात को मैं घुमा के कहूंगा कि राम के द्वारा पढ़ा जाता है, अब उसको मैं क्या कर दिया, घुमा फिरा के कह दिया। तो यही क्या है, वाच्य है। और वो वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य जो होता है इसमें कर्ता प्रधान होता है, कर्ता क्या होता है, प्रधान होता है, कर्ता प्रधान होता है। समझ में आ गया, कर्म होता है और क्रिया होती है इसमें। अब देखो कर्तृवाच्य का कर्ता प्रधान होता है, तो कर्ता में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होता है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग, कौन सी व्यक्ति का होता है, प्रथमा विभक्ति का। कर्तृवाच्य के कर्ता में कौन सी व्यक्ति होगी, प्रथमा,
अर्थात स्वतंत्र है कर्ता नियम क्या कहता है, कार्य को करने में जो स्वतंत्र होता है उसे कर्ता कहते हैं और कर्तरी प्रथमा से आता, अर्थात जो मुख्य कर्ता होता है उसमें प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो ये कारक प्रकार नियम बताता है। तो कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्म क्या होता है गौण होता है, तो कर्म में द्वितीय व्यक्ति होगी और कर्ता में प्रथमा होगी और क्रिया जो होगी वो कर्ता के अनुसार होगी, क्योंकि कर्ता प्रधान होगा तो क्रिया के अनुसार। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, तो कर्म में प्रथमा व्यक्ति होती है और कर्ता में तृतीय व्यक्ति होती है और क्रिया जो होती है कर्म के अनुसार होती है, कर्म जिस पुरुष का होगा क्रिया भी उसी पुरुष उसी वचन की होगी। भाववाच्य में भाव प्रधान होता है, इसमें कर्म का कोई भी रोल नहीं होता है, इसलिए भाववाच्य में जो रूप बनते हैं वो अकर्मक धातुएं कहलाती है। भाववाच्य में जितनी भी क्रियाएं आती है वो क्या कहलाती हैं, अकर्मक धातुएं कहलाती है, ठीक है। और जो कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य की जो क्रियाएं होती है वो सकर्मक धातुओं के अंतर्गत आती है। उसी बात को ये बता रहा है कि सकर्मक धातुओं से लकार कर्ता और कर्मवाच्य में होते हैं और अकर्मक धातुओं से लकार जो होते हैं भाव और कर्तावाच्य में, भाववाच्य और कर्तृवाच्य में आते हैं या होते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए, अब ये बात आती है, इस सूत्र का अर्थ हो गया, इसकी वृत्ति हो गई कि लकार सकर्मक धातुओं से इस अर्थ में आएंगे और अकर्मक धातुओं से इस अर्थ में, उसके बाद इसका अर्थ हो गया। अब देखो, अब बात आती है कि ये सकर्मक धातु और अकर्मक धातु क्या होती है, सकर्मक और अकर्मक, सकर्मक और अकर्मक, ठीक है। तो ये भी मैंने अकरा को बताया था कि सकर्मक का मतलब कर्म सहित और अकर्मक का मतलब कर्म से रहित, ठीक है। तो ये सकर्मक अकर्मक को हम थोड़ी इनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं कि फल व्यापारौ धातु अर्थ है, फल व्यापारौ धातु अर्थ है, अर्थात धातु के जो होते हैं दो अर्थ होते हैं, धातु के कितने अर्थ होते हैं दो, कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है फल और एक होता है व्यापार। धातु के कितने अर्थ होते हैं दो, धातु के अर्थ होता है एक तो फल होता है और एक क्या होता है व्यापार होता है। फल और व्यापार, व्यापार का मतलब किससे है क्रिया से, व्यापार का मतलब किससे है क्रिया से ही। धातु के दो अर्थ होंगे फल और व्यापार, व्यापार का मतलब किससे होता है क्रिया से होता है। और जो फल होता है वो क्या, उस फल का आश्रय क्या होता है कर्ता होता है, फल का आश्रय क्या होता है कर्ता, और व्यापार का आश्रय क्या होता है क्रिया। समझ में आ गया। तो कर्म होता है, फल का आश्रय क्या होता है कर्म होता है, और व्यापार का आश्रय क्या होता है कर्ता और क्रिया दोनों होते हैं, ठीक है। तो धातु के दो अर्थ होंगे, फल अर्थ होगा और दूसरा कौन सा होगा व्यापार अर्थ होगा, ठीक है ना। तो जब धातु का अर्थ फल तथा व्यापार अलग अलग आश्रयों में रहता है, ठीक है ना। तो देखो ये दो हो गए, धातु के दो अर्थ फल और व्यापार, फल का मतलब कर्म और व्यापार का मतलब कर्ता, अर्थात क्रिया को करने वाला जो होता है, जो क्रिया को करता है, जो क्रिया का व्यापार करता है उसे क्या कहते हैं कर्ता, ठीक है। और फल यानी कर्म, क्या फल हुआ उस क्रिया को करने से उसको क्या कहेंगे कर्म कहेंगे, क्या कहेंगे कर्म कहेंगे। तो धातु के दो अर्थ हो गए। अब देखिए कि सकर्मक किसे कहते हैं, कि जब धातु का अर्थ देखिए सकर्मक की परिभाषा है कि जब धातु का अर्थ फल तथा व्यापार दोनों में होता है तो वह धातु सकर्मक होती है। ये तो सकर्मक की परिभाषा हो गई। सकर्मक की परिभाषा क्या हो गई कि पहली बात तो है कि धातु के दो अर्थ होंगे, एक तो फल होगा, दूसरा अर्थ क्या होगा व्यापार। फल का मतलब कर्म और व्यापार का मतलब कर्ता, और ये कर्म का मतलब क्या होता है क्रिया, अर्थात क्रिया को करने वाला। तो ये देखिए, जब धातु का अर्थ फल और व्यापार अलग अलग आश्रयों में होता है, फल अलग होता है, धातु का अर्थ का फल अलग होगा और व्यापार अलग होगा, करने वाला अलग होगा और उस करने वाले का फल अलग होगा, ठीक है ना। तो वह धातु क्या कहलाती है सकर्मक कहलाती है। क्या कहलाती है धातु सकर्मक कहलाती है। अब देखिए जैसे उदाहरण से हम समझते हैं, देवदत्त ओदनम पचति। अब इधर देखिए,
देवदत्त है ओदनम पचती। अब ये क्या है, उदाहरण है, देवदत्त है ओदनम पचती या तंडुलम पचती, ठीक है ना। तो देवदत्त है ओदनम या तंडुलम कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, तंडुल यानी चावल होते हैं, तो देवदत्त है तंडुलम पचती, तंडुलम पचती। तो इसमें देखिए धातु कौन सी है, पच धातु, कौन सी धातु है, पच धातु, और पच धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में क्या बनता है, पचती, पचती का मतलब पकाना, पकाता है। तो देखिए देवदत्त है तंडुलम पचती, देवदत्त चावल पकाता है, ये क्या हो गया, कर्म हो गया, ये क्या हो गया, कर्म। तो यहाँ पर धातु के दो अर्थ हो गए, एक तो फल हो गया और एक व्यापार हो गया। अब व्यापार कौन कर रहा है, भाई देवदत्त कर रहा है, ये तो देवदत्त चावल पकाता है, देवदत्त चावल पकाता है। अब देखिए क्रिया पकाना, कर्म तंडुल चावल, और कर्ता कौन है, देवदत्त है। तो इसमें देखिए देवदत्त जो है कर्ता, वो क्या कर रहा है, कौन सा व्यापार कर रहा है, पकाने का व्यापार कर रहा है, और पकाने का उसका फल क्या हुआ, जो उसने जो व्यापार किया पकाने का, वो उससे क्या पका, चावल पका। तो ये देवदत्त की जो क्रिया का जो फल है वो क्या हुआ, चावल। तो ये फल हो गया और ये पकाना क्या हो गया, व्यापार, और व्यापार को करने वाला कौन है, देवदत्त है, कौन है, देवदत्त। तो ये पच धातु है वो कैसी धातु है, सकर्मक धातु, ऐसी धातु है, सकर्मक धातु है, और इन सकर्मक धातुओं से जो लकार होते हैं वो कर्तृवाच्य और भाववाच्य में होते हैं, कर्तृवाच्य में होंगे और भाववाच्य में होंगे, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में, सकर्मक धातुओं से लकार कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में होते हैं, होते हैं, समझ में आया। तो ये सकर्मक हुई कि जब धातु का अर्थ फल तथा व्यापार अलग अलग आश्रयों में रहता है, दोनों, जब धातु का अर्थ फल में अलग रहता है और व्यापार में अलग रहता है, तो धातु क्या कहलाती, कैसी कहलाती है, सकर्मक कहलाती है, और उस सकर्मक धातु से लकार जो कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य में होते हैं, ठीक है। तो ये जो उदाहरण है ये कर्तृवाच्य का उदाहरण है, कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय, और क्रिया जो किसके अनुसार आई, कर्ता के अनुसार, ठीक है। तो ये इस बात को इसने बताया, ठीक है। अब बात आती है अकर्मक की। अब देखिए सकर्मक मत पता लग गया कि धातु का अर्थ फल और व्यापार, धातु के दो अर्थ होते हैं, फल और एक व्यापार होता है, तो जब दोनों अलग अलग आश्रयों में रहते हैं तो धातु क्या कहलाती है, सकर्मक कहलाती है। अब बात आती है अकर्मक की। अकर्मक, अकर्मक धातु किसे कहते हैं, अकर्मक धातु किसे कहते हैं, तो देखिए एक ही आश्रय में रहता है, ठीक है ना, जिस धातु का अर्थ एक ही आश्रय में रहता है, जब धातु का अर्थ, जब किसी धातु का अर्थ, किसी धातु का अर्थ एक ही आश्रय में रहता है, एक ही आश्रय में रहता है, आश्रय अर्थात फल और व्यापार एक ही होगा, फल और व्यापार कितने होंगे, एक ही होंगे, जब धातु का अर्थ फल तथा व्यापार एक ही आश्रय में रहता है तो वह धातु कैसी होती है, अकर्मक होती है, कैसी धातु होती है, अकर्मक होती है। जब धातु का आश्रय फल तथा व्यापार एक ही में रहता है, एक ही आश्रय में रहता है, तो धातु कैसी होगी, अकर्मक धातु होगी, ठीक है ना। अब वह धातु कैसी हो जाएगी, अकर्मक हो जाएगी। जैसे देखो उदाहरण, स्वाम है श्याम है स्वैपिति, उदाहरण देखिए, इस उदाहरण से समझते हैं, श्याम है स्वैपिति, श्याम है स्वैपिति, अर्थात श्याम आंख बंद करता है, इस स्वैपिति है जो इसमें स्वप धातु है, कौन सी धातु है, स्वप धातु, और स्वप धातु का अर्थ क्या होता है, आंख बंद करना, आंख बंद करना, स्वप धातु का स्वप्न देखना या आंख बंद करना। तो देखिए श्याम आंख बंद करता है, तो यहां पर कर्ता कौन है, श्याम है, और ये क्या है, क्रिया है, क्या है, क्रिया, स्वप धातु है, क्रिया है, ठीक है। अभी देखिए यहां पर फल है क्या, फल है क्या, इधर अकर्म है क्या, नहीं है। तो देखिए स्वप जो धातु है श्याम है स्वपिति, अर्थात श्याम आंख बंद करता है, तो यहाँ पर जो धातु का अर्थ है वो एक ही आश्रय में है, फल और व्यापार एक ही आश्रय में, यहाँ पर अलग अलग आश्रय नहीं है, धातु का एक ही अर्थ है कि श्याम आंख बंद करता है। वहां पर क्या है था, देवदत्त चावल पकाता है, तो कौन पकाता है, देवदत्त पकाता है, कर्ता अलग था,
क्या पकाता है? चावल पकाता है। कर्म अलग था, तो धातु कैसी थी? पच धातु कैसी थी? सकर्मक थी। और यहाँ पर श्याम स्वप्न देखता है या आंख बंद करता है, तो यहाँ पर स्वप धातु का अर्थ क्या है? केवल और केवल फल और व्यापार दोनों ही एक आश्रय में है। आंख बंद करने का अर्थ यहाँ पर श्याम ही आंख बंद करता है, तो यहाँ पर कर्म नहीं है। तो इस अकर्मक धातु से जो लकार होते हैं इसलिए वो क्या होते हैं? भाववाच्य तथा कर्तृवाच्य में होते हैं। अकर्मक धातुओं से लकार भाव तथा कर्तृवाच्य में होते हैं, ठीक है। तो ये पहला नियम था, ल कर्मणि चे भावे चे अकर्मकेभ्ये। ये नियम क्या कहता है? लकारः सकर्मकेभ्यो कर्मणि कर्तृ चे स्यु और अकर्मकेभ्यो कर्म भावे कर्तृ चे स्यु। कि लकारा सकर्मक धातुओं से कर्ता अर्थ में और कर्म अर्थ में आते हैं या कर्तृवाच या कर्मवाच में आते हैं, और अकर्मक धातुओं से लकार भाववाच या कर्तृवाच में होते हैं। तो वाच भी मैंने आपको बता दिए तीन होते हैं, कर्तृ कर्म और भाववाच। वाच का मतलब होता है बात को कहने का तरीका। उसके बाद ये सकर्मक और अकर्मक ये दो धातुएं होती है। इन धातुओं के बारे में भी आपको बताया कि जब धातु का अर्थ फल और व्यापार, धातु के दो अर्थ होते हैं फल और व्यापार, जब धातु का अर्थ फल और व्यापार अलग अलग आश्रयों में होता है तो धातु सकर्मक होती है, और जब धातु का अर्थ एक ही आश्रय में होता है तो धातु अकर्मक होती है, ठीक है। दोनों को उदाहरण सहित मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो पहला सूत्र हो गया ये, इसकी वृत्ति भी आपने लिख ली है, इसका अर्थ भी आपने लिख दिया है, सकर्मक अकर्मक के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, वाच के बारे में भी आपको बता दिया, ठीक है। अब देखिए दूसरा नियम कौन सा है। पहला नियम हो गया लकारः ल कर्मणि च भावे च अकर्म के भे। अब देखिए अब बात आती है दूसरे नियम की, ठीक है। नियम नंबर दो है अब वर्तमाने लट, वर्तमाने लट इंपोर्टेंट नियम है और ये सूत्र जो है ये बहुत काम आने वाला है। वर्तमाने लट भवादी गण में सबसे ज्यादा प्रयुक्त होने वाला सूत्र है वर्तमाने लट। अब देखिए काल मैंने आपको बताए थे कि लकार का मतलब क्या होता है? काल होता है। लकार का मतलब क्या होता है? काल होता है, समझ लीजिए लकार या काल। और काल को तीन भागों में विभाजित किया है। काल को कितने भागों में विभाजित किया है? तीन भागों में। सबसे पहला है वर्तमान, कौन सा है? वर्तमान। उसके बाद है भूत और उसके बाद है भविष्य। ये काल को तीन भागों में विभाजित किया है। तो वर्तमान के बारे में सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे, तो इसलिए वर्तमाने लट सूत्र आया है। काल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो वर्तमान किसे कहते हैं? वर्तमान काल में कौन से लकार का प्रयोग किया जाता है? तो लकार का मतलब क्या होता है? काल होता है, ठीक है। तो काल तीन प्रकार के होते हैं और इन तीन, जो तीन काल होते हैं इनको अनेक भागों में क्या किया है? विभाजित किया है। तो पहला नियम है, दूसरा नियम है वर्तमाने लट। अब देखिए वर्तमाने लट क्या कहता है कि वर्तमान क्रिया व्रते धातो लट स्यात्। इसकी व्रति है, वर्तमाने लट की व्रति है, देखिए वर्तमान क्रिया, वर्तमान क्रिया व्रते धातो धातो लट स्यात्, लट स्यात्। आगे लिख रखा है अटावितौ, अटावितौ वर्तमान क्रिया व्रते धातो लट स्यात्। वर्तमान क्रिया व्रते धातो लट स्यात्, ठीक है। अब देखिए ये क्या कहता है कि वर्तमाने लट अर्थात वर्तमान काल की जो क्रिया होती है, वर्तमान काल की क्या होती है? जो क्रिया होती है उस वर्तमान काल की क्रिया में लट लकार का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान क्रिया, वर्तमान काल की क्रिया में धातोर लट स्यात्, धातु के साथ या क्रिया के साथ कौन से लकार का प्रयोग किया जाता है? लट लकार का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान काल की क्रिया में रहने पर या वर्तमान काल की क्रिया के रहने पर धातु से कौन सा लकार आता है? लट लकार आता है, ठीक है। तो इसका अर्थ लिखिए, इसका अर्थ है वर्तमान काल, काल
की क्रिया के साथ लट लकार का प्रयोग होता है, होता है। इसने बताया कि वर्तमान काल की क्रिया के साथ किसका प्रयोग होता है, कौन से लकार का प्रयोग होता है, लट लकार। तो पहला दूसरा नियम है वर्तमाने लट। ये क्या कहता है कि वर्तमान काल वर्तमाने लट, अर्थात वर्तमाने लट का मतलब वर्तमान काल की क्रिया के साथ कौन सा लकार का प्रयोग होगा, लट लकार। सूत्र क्या कहता है, कौन सा सूत्र बताता है इस बात को, वर्तमाने लट अर्थात वर्तमान क्रिया व्रतेर धातु लट स्यात्, व्रति है इसकी, क्या है, व्रति। समझ में आ गया। अब देखिए, अब बात आती है कि वर्तमान काल किसे कहते हैं, वर्तमान काल किसे कहते हैं। तो देखिए वर्तमान की परिभाषा है, वर्तमान की परिभाषा दे रखी है, वर्तमान किसे कहते हैं, प्रारब्धा परिसमाप्यर्थम प्रारब्धा परिसमाप्त प्रक्रियो उप प्रारब्धा परिसमाप्त प्रक्रियो उपलक्षित्वम परिसमाप्य प्रक्रियो लक्षित्वम वर्तमानत्वम, वर्तमानत्वम। ये वर्तमान की परिभाषा बता रखी। देखिए वर्तमान काल किसे कहते हैं, वर्तमान काल किसे कहते हैं। तो देखिए प्रारब्धा परिसमाप्य प्रक्रियो उपलक्षित्वम वर्तमानत्वम, वर्तमान काल की क्रिया के साथ लट लकार होगा लेकिन वो वर्तमान काल किसे कहते हैं। तो इसको बता रखा है कि प्रारंभ हुई हो, अर्थात ऐसी क्रिया प्रारंभ किंतु समाप्त नहीं हो, प्रारंभ प्रारब्ध का मतलब ऐसी क्रिया प्रारंभ हुई क्रिया किंतु समाप्त नहीं हुई हो। प्रारंभ हुई क्रिया किंतु समाप्त नहीं हुई हो के द्वारा प्रदर्शित काल के द्वारा प्रदर्शित काल वर्तमान कहलाता है, वर्तमान होता है। ठीक है। तो वर्तमाने लट की वृत्ति वर्तमान क्रिया वर्तेर धातु लट स्यात्, अर्थात वर्तमान काल की क्रिया के साथ धातु से लट लकार आता है। तो लट वर्तमान की परिभाषा कि प्रारब्धा परिसमाप्य, अर्थात ऐसी क्रिया जो प्रारंभ हुई हो लेकिन समाप्त नहीं हुई, ऐसी क्रिया जो प्रारंभ तो हो गई हो लेकिन समाप्त नहीं हुई हो, तो उसके द्वारा जो प्रदर्शित होता है वही क्या कहलाता है, जो काल प्रदर्शित हो क्या कहलाता है, वर्तमान कहलाता है। जैसे देखिए वह जाता है, तो यहाँ पर क्रिया कौन सी है, जाना। वह जाता है, वह गया था भूत में चला गया, वह जाएगा तो भविष्य में, लेकिन वर्तमान कैसे कहेंगे, वह जाता है अर्थात वह जाता है, तो पहुंच थोड़ी गया, तो चल रहा है वो रास्ते में, चल रहा है अर्थात वर्तमान समय में भी वो क्या कर रहा है, चल रहा है। तो जो क्रिया प्रारंभ अर्थात प्रारंभ तो हो गई है, शुरू तो हो गई है लेकिन समाप्त नहीं हुई है, समाप्त हो जाएगी तो वो किस में हो जाएगी, गया था तो भूतकाल में चली जाएगी, ठीक है ना। तो वर्तमान किसे कहते हैं, प्रारंभ अर्थात प्रारंभ हुई क्रिया लेकिन समाप्त नहीं हुई हो, उस ऐसे जो काल को प्रदर्शित किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, वर्तमान कहते हैं। और उस वर्तमान काल की क्रिया के साथ कौन से लकार का प्रयोग होता है, लट लकार का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया। तो लट की परिभाषा है प्रारब्धा परिसमाप्य प्रक्रिया उपलक्षित्वम वर्तमानत्वम, अर्थात प्रारंभ हुई क्रिया लेकिन समाप्त नहीं हुई हो उसके द्वारा उपलक्षित जो काल होता है उसे ही हम वर्तमान काल कहते हैं। और उस वर्तमान काल के साथ में वर्तमाने लट जो सूत्र है पाणिनि जी का, उस सूत्र से वर्तमान काल की क्रिया के साथ में कौन से लकार का प्रयोग होता है, लट लकार का प्रयोग होता है। अब देखिए हमने लट लकार का प्रयोग हमने कर दिया, ठीक है, तो इसको भी लिख लीजिए। अब देखिए लट लकार हमने किसके साथ कर दिया, वर्तमान काल की क्रिया के साथ में कर दिया,
ठीक है। जैसे भौतिक हमको रूप सिद्धि बनानी है, भौतिक का मतलब होता है होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भू धातु है उससे हम क्या कर देंगे, लट लकार कर देंगे। क्या कर देंगे, लट लकार। क्या कर देंगे, लट लकार। अब किस अर्थ में होंगे, कर्तृ अर्थ में हो जाएगा। किस अर्थ में हो जाएगा, कर्तृ अर्थ में, क्योंकि ये भू धातु है जो कैसी है, ये सकर्मक धातु है, और सकर्मक धातु से लकार कर्तृवाच और कर्मवाच दोनों में आते हैं, अकर्मक से कर्तृवाच और भाववाच में होते हैं, ठीक है। अब हमने ये वर्तमानी लट से क्या कर दिया, लट लकार ले आए। वर्तमानी लट से क्या क्या कर दिया हमने, लट लकार ले आए, ठीक है ना। अब देखिए लट लकार आ गया तो ये बता रहा है कि जो लट लकार है इसमें ये आगे देखा है कि अटावितौ, लट लकार में क्या हो जाएगा, अटावितौ, अर्थात ये लट आया है तो इस लट में टय की इत संज्ञा हो जाएगी। कौन से सूत्र से, इत संज्ञा कौन से सूत्र से, हलंत्यम से। कौन से सूत्र से हो जाएगी, हलंत्यम। ये हमने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, हलंत्यम सूत्र उपदेश अवस्थायाम अंतिम हल वर्ण से इत संज्ञा है शायद, अर्थात उपदेश अवस्था में अंतिम हल यानी व्यंजन वर्ण की क्या होती है, इत संज्ञा होती है। तो ये लट है कैसी अवस्था है, उपदेश अवस्था है। पाणिनि जी के अनुसार कितनी उपदेश अवस्था बताई गई है, 9। धातु सूत्र गणों गणादि वाक्य लिंग अनुशासनम आगम प्रत्यादेशो उपदेशः नव प्रकीर्तिता, अर्थात धातु सूत्र गण उणादि वाक्य लिंग अनुशासन आगम आदेश और वाक्य, ठीक है ना, ये क्या क्या कहलाते हैं, 9 उपदेश कहलाते हैं। 9 क्या कहलाती है, उपदेश अवस्था कहलाती है। अर्थात पाणिनि पतंजलि और कात्यायन जो व्याकरण के जो त्रिमुनि हैं, उन त्रिमुनियों का जो आदि यानी प्रथम उच्चारण है, उस प्रथम उच्चारण को ही हम उपदेश अवस्था कहते हैं। तो ये हलंत्यम सूत्र क्या कहता है कि उपदेश अवस्था में अंतिम यानी लास्ट वाला हल यानी व्यंजन जो वर्ण होता है, उस व्यंजन वर्ण की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। और इस लय है, इस लय में लय की भी इत संज्ञा कौन से सूत्र से हो जाएगी, लय में स्थित ए वर्ण की, लय में स्थित ए वर्ण की इत संज्ञा हम उपदेश अज अनुनासिक इत से करते हैं। उपदेशे अज अनुनाशिक इत से करते हैं, उपदेशे अज अनुनाशिक इत से इसकी क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। तो बच्चा शेष क्या रहा, ले, शेष क्या रहा, ले हो जाए, भूधन ले हो जाए, समझ में आ गया। अब देखिए ये जो वर्तमान लट है इसके बाहर लिख रखा है कि वर्तमान क्रिया वृत्तेर धातु लट चात, अर्थात वर्तमान काल की क्रिया के साथ धातु से लट लकार होता है, अटावितौ और लट लकार में ए तथा टय की संज्ञा हो जाती है। तो ले की टय की संज्ञा होने के कारण लकार कैसा है, टित लकार है। तो टय की संज्ञा हलंत्यम से कर दी, उसका तस्से लोपे से क्या हो गया, लोप हो गया, टय हट गया, बचा क्या, ले। उपदेश अवस्था, उपदेश अज अनुनासिक कहता है कि उपदेश अवस्था में आदि अनुनासिक अच यानी स्वर वर्ण की क्या होती है, इत संज्ञा होती है। तो ये उपदेश अवस्था है, लय में ए की संज्ञा कौन से सूत्र से हो जाएगी, उपदेश अवस्था, उपदेश अनुनासिक इत से हो जाएगी। तो क्या बचेगा, लय, लय भी कैसा बचेगा, आधा बचेगा, कैसा बचेगा, आधा बचेगा, ठीक है। उसके बाद इसके आगे लिख रखा है कि उच्चारण सामर्थ्यात लस्य न इत्वम, इसी वर्तमान लट की वृत्ति में अटावितौ के आगे लिख रखा है कि उच्चारण सामर्थ्यात लस्य न इत्वम। अब ये कहता है कि उच्चारण की, उच्चारण में कोई दोष नहीं हो, इस दोष के कारण हम लय की संज्ञा नहीं करेंगे, क्योंकि पाणिनि जी के एक सूत्र और है, लसक्व तद्दिते, लसक्व तद्दिते, वो क्या कहता है कि उपदेश अवस्था में आदि लय से और कु का मतलब कवर की तद्दित प्रत्यय से भिन्न की क्या हो जाती है, संज्ञा हो जाती है। तो ये तद्दित प्रत्यय से भिन्न है तो इस लय की भी क्या हो जानी चाहिए, इस लसक्व तद्दिते से क्या हो जानी चाहिए, इत संज्ञा हो जानी चाहिए थी और तस्से लोपे से उसका लोप हो जाना चाहिए था। लेकिन ये कह रखा है कि उच्चारण सामर्थ्यात लस्य नैत्वम, अर्थात उच्चारण में दोष नहीं हुआ, यदि हम इस लय की भी संज्ञा कर देंगे तो यहाँ पर लकार में कुछ भी हमको दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए उस उच्चारण में दोष नहीं होने के कारण हम लय की संज्ञा नहीं करेंगे, समझ में आ गया। उसके बाद देखो आगे दे रखा है कि भू सत्तायाम, भू सत्तायाम, अर्थात अब भू धातु की बात आ जाती है कि भू धातु सत्ता अर्थ में होती है। भू धातु का अर्थ क्या होता है, सत्तायाम यानी सत्ता अर्थ या होना, भू सत्तायाम, भू धातु का अर्थ क्या होता है, सत्ता अर्थ में होता है। और कर्तृ विवक्षायाम भू लय इति स्थिते, और कर्तृ की विवक्षा में अब देखो भू धातु है, भवादिगण पढ़ रहे हैं, पहली धातु कौन सी है, भू, भवादिगण में पहली धातु कौन सी है, भू धातु, ठीक है ना, तो भू धातु है। तो इस भू धातु से वर्तमाने लट सूत्र से क्या ले आएंगे हम, वर्तमाने लट सूत्र से लट लकार ले आएंगे, कौन से अर्थ में आ जाएगा लट लकार, कर्तृ कर्त अर्थ में, कर्तृवाच्य में आ जाएगा या कर्तृ विवक्षा में आ जाएगा, समझ में आ गया।
तो स्थिति देखो क्या बनेगी, भू धन लट। अब लट में टैकित संज्ञा एकित संज्ञा तो क्या बचेगा, भू धन ल, ये स्थिति बचेगी हमारी। कौन सी स्थिति बचेगी, भू धन ल बचेगा। समझ में आ गया, तो यहां तक ये सूत्र यहां तक हमारे इस रूप को प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद अगला जो सूत्र भू धातु का अर्थ सत्ता है, और सत्ता का मतलब सत्ता, यह सत्ता काल से संबंधित होती है। भू धातु की जो अर्थ सत्ता होता है वो किससे संबंधित होती है, काल से संबंधित होती है। अब देखो लकार जो होते हैं तो लकार के द्वारा कारक का अर्थ भी होता है, ठीक है ना। तो ये कर्ता जो होता है, कर्ता जो कारक जो भू धातु है उसमें जो लट लकार आया, ठीक है ना, तो ये लट लकार आया जो किसके अर्थ में आया, कर्तृवाच्य में आया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो धातु हम बनाएंगे ये कर्तृवाच्य अर्थात कर्ता कारक में हम कर्ता का की विवक्षा के कारण हम भू धातु से कौन सा लकार लाएंगे, लट लकार। लाने पर क्या स्थिति बन जाती है, भू धन ल, यह स्थिति बन जाती है। समझ में आ गया। अब उसके बाद तीसरा सूत्र है, उसको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।